हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड छोर हॉस्टल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम डिफरेंट साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोस्ट के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब सेलर, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की वीडियो भी रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये जो नोटिफिकेशन आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जो कि वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो ये जो है अंडर डीबीटी के अंडर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट प्लांट जीनोम रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आप देखिए साइंटिफिक पोजिशंस, इसके अलावा जो टेक्निकल पोजिशंस और आपको यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस यहाँ पे निकाली गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट मेंशन कर रखा है, साइंटिस्ट 6, साइंटिस्ट 5, साइंटिस्ट 4, साइंटिस्ट 3, साइंटिस्ट 2, तो इन सबकी पोजिशंस को यहाँ पे निकाला गया है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे लेवल भी मेंशन कर रखा है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी और एज लिमिट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइंटिस्ट 6 की पोस्ट की, तो यहाँ पे लेवल आपको 13 ही दिया जाएगा और यहाँ पे जो आपका पे लेवल रहेगा वो 1,31,100 रुपीज से 2,16,600 रहेगा और जो नंबर पोस्ट है 1 है एससी कैटेगरी में और जो एज लिमिट है 55 ईयर। यहाँ पे जो आपका पीएचडी इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट में विद ओरिजिनल हाई क्वालिटी रिसर्च वर्क क्या होना चाहिए, आपके मतलब कि अच्छे अच्छे जनरल पेपर पब्लिश होने चाहिए और आपको अभी पीएचडी के बाद आपको 12 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है साइंटिस्ट 5 की पोस्ट, यहाँ पे आपको लेवल 13 का मिलेगा आपको पे ग्रेड और आपको यहाँ पे जो है 1,23,100 से 2,15,900 और यहाँ पे वन पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है, एज 50 ईयर्स मैक्सिमम और यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास एमएससी होना चाहिए विद एटलीस्ट 11 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस और आपका पीएचडी विद एटलीस्ट 8 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, द रिसर्च एक्सपीरियंस शुड बी एविडेंट फ्रॉम पब्लिकेशन, तो आपको आपके यहाँ पे जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो पब्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। इसी के साथ साइंटिस्ट 4 की पोजीशन भी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे जो लेवल है आपको 12 दिया जाएगा और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी वो आपकी 78,800 से 2,09,200 रहेगी, एससी कैटेगरी रहेगी और मैक्सिमम एज भी 45 ईयर्स और यहाँ पे आपका एमएससी के साथ 9 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस या पीएचडी के साथ 5 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद साइंटिस्ट 3 का भी है, यहाँ पे लेवल ग्रेड पे लेवल 11 रहेगा, यहाँ पे सैलरी रहेगी आपकी 67,700 2,08,700 और ये एससी की वन पोजीशन यहाँ मेंशन कर रखी है और यहाँ पे आपका एमएससी के साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपका जो है पीएचडी होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 4 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस। इसके अलावा यहाँ पे साइंटिस्ट 2 की पोजीशन भी है जो कि आपका ग्रेड पे रहेगा, वो लेवल 10 का रहेगा और यहाँ पे जो सैलरी आपकी ऑलमोस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इक्विवेलेंट रहती है उतनी रहेगी, तो 56,100 से 1,77,500 एसटी पोजीशन है और यहाँ पे फर्स्ट क्लास इन एमएससी होना चाहिए आपका और आपका यहाँ पे 3 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में या पीएचडी होना चाहिए विद 1 ईयर पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है टेक्निकल पोजिशंस भी निकालेगी, तो यहाँ पे टेक्निकल देख ली, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, यहाँ पे लेवल इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो नंबर ऑफ पोस्ट वो भी क्लियरली मेंशन कर रखे हैं और साथ ही जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ है टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2 के लिए भी यहाँ पे उन्होंने ग्रेड पे लेवल दे रखा है और साथ ही साथ नंबर पोजीशंस कितनी है वो भी मेंशन कर रखी है और आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी क्लियरली मेंशन कर रखी है। इसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उन्होंने मेंशन कर रखी, तो यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव में, पे लेवल 7, नंबर ऑफ पोस्ट 1 ओबीसी, मैक्सिमम एज भी 30 ईयर्स और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे जो मेंशन कर रखी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लेवल 9 एंड बिलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 200 रुपीज, वही लेवल 10 एंड अबव के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज और लेवल 14 एंड अबव के लिए आपको 1,000 रुपीज यहाँ पे करने पड़ेंगे। मगर आप ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ₹100 लेवल 10 9 एंड बिलो के लिए, लेवल 10 एंड बिटवीन लेवल 10 टू लेवल 14 आपको 300 रुपीज और लेवल 14 एंड अबव के लिए आपको 500 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। एज पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं करनी, फी पे नहीं करनी है।
वही अगर आपने फीस एक बार सबमिट कर दी है तो आप उसको इसको रिफंड नहीं कर सकते, यानी कि ऑनलाइन आपको फी जो है वो सबमिट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली मेंशन कर रखे हैं, जैसे आपको डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी वो सारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो ये एज अ लाइक जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी मिलती है वो भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको दी जाएगी अगर आप जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे जो अपना जो है आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा एससी एसटी ओबीसी, अगर आप बिलोंग करते कैटेगरी से, तो कैटेगरी से तो आपको वहाँ पे जो है आपको वो सर्टिफिकेट भी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप उस लाइक रिजर्वेशन का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द गिवन फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको एनआईपीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपको जो है इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 31 जनवरी 2022 है शाम 5:30 PM। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट स्कैन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अगर आपके पास जो है ये डॉक्यूमेंट आप पहले प्रिपेयर करिए ऑनलाइन लाइक अप्लाई करने से पहले, तो आपको फोटोग्राफ चाहिए, साथ ही साइज मेंशन कर रखा है कि लेस देन 50 KB होना चाहिए, सिग्नेचर लेस देन 50 KB, एज प्रूफ लेस देन 50 KB, रेलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेस देन 700 KB। तो इस वे में आपको यहाँ पे जो है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने पड़ेंगे। डिटेल ऑफ पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ब्रीफ राइटअप ऑन रिसर्च इंटरेस्ट, फ्यूचर प्लान, एनी अदर इन्फॉर्मेशन लेस देन 200 KB, रेफरेंस लेटर फ्रॉम एटलीस्ट 3 रेफरी। तो यहाँ पे आपको जो रेफरेंस लेटर भी अटैच करना पड़ेगा 3 रेफरीज का विद नेम, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन नंबर, लेस देन 100 KB, और साथ ही साथ आपको पेमेंट स्लिप भी लगानी पड़ेगी जो आप ने जो ऑनलाइन पे किया है आपका फीस। वंस यू हैव अपलोडेड अ डॉक्यूमेंट क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट बटन, यू विल गेट द फॉर्म प्रीव्यू ऑप्शन, सेव और प्रिंट योर फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इन केस एनी टेक्निकल असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन कैंडिडेट मे कॉन्टेक्ट। तो अगर आप कोई भी लाइक डिफिकल्टी हो रही है फॉर्म से रिलेटेड तो आप जो है यहाँ पे bic@nipj.ac.in पर जो है अपना मेल कर सकते हो और अपनी क्वेरी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो है लैंडलाइन नंबर भी मैंसन कर रखा है 0112675108, तो यहाँ पे जो है आप ऑफिस आवर्स में कॉल करके जो है अपनी क्वेरी भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप जो है इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सी जो पोजीशंस वो निकाली गई है, चाहे वो आप जो है लाइक साइंटिफिक पोजीशंस भी निकाली गई हैं, साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे टेक्निकल पोजीशंस भी निकाली गई हैं, और साथ ही साथ इन्होंने जो है क्लियरली मैंसन कर रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी निकाली गई हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द लाइक गुड अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु वॉन्ट टू मेक कैरियर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और साइंटिफिक पोस्ट और एज वेल एज इन द टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी अपनी जरूर देख लीजिएगा कि आप एलिजिबिलिटी या आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो आपका फुलफिल हो रहा है तभी इसके लिए अप्लाई करिए, ये तो आपका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ना जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।